फिर बोलेंगे ओम शांति। अच्छा बाबा, हम बच्चों का रखवाला है, हम बाबा के टाइम के बच्चे हैं, मम्मा बाबा के सामने थे। अच्छा पहले आपको एक छोटा सा गीत सुनाते हैं। बड़ी दादियां ये गीत गाती हैं। शिव नूर रतन उजियारो, बाबा के नैन सितारो, बाबा की याद भुलाना ना, तुम माया को मीत बनाना ना। आप बहन जी कौन है आप, जल्दी फटाफट आप कौन है जी? तुम अति स्नेही बच्चे हो, तुम ब्राह्मण सच्चे सच्चे हो, इस कुल को दाग लगाना ना, तुम बाबा की याद भुलाना ना। आप भाई साहब कौन है? तुम तो स्वर्ग के बाग के माली हो, वैकुंठ के वारिस वाली हो, खुश रहना कब मुरझाना ना, प्यारे बाबा की याद भुलाना ना। हाँ जी आप, तुमने तो स्वर्ग सजाना है, बाबा का हाथ बटाना है, न्यारे रहना प्यारे रहना, तुम बाबा की याद भुलाना ना। आप, तुम मानवता के गहना हो, पांडव शिव शक्ति सेना हो, शक्ति स्वरूप भुलाना ना, तुम माया को मीत बनाना ना, बाबा की याद भुलाना ना। हाँ क्या करेंगे बहन जी, तुम तो अमृत वेले ध्यान करो, शिव बाबा से रू रूहान करो, अनमोल ये वक्त गंवाना ना, तुम बाबा की याद भुलाना ना। शिव नूर रतन उजियारो, बाबा के नैन सितारो, बाबा की याद भुलाना ना, ओ माया को मीत बनाना ना। अच्छा ये गीत हुआ। बाबा ने बच्चों को पांच मंत्र दिए, पांच मंत्र। पहला मंत्र ओम शांति। वाह, एक ने मुझे कहा आप ओम शांति कहते आप तीन बार क्यों नहीं कहते? हमने कहा आप हमको बताओ क्यों तीन बार कहें? कहते नहीं, ओम शांति शांति शांति, अर्थ अर्थ वो नहीं जानते।
फिर हमने उनको समझाया पहले ओम शांति, ठीक, दूसरा परम शांति, तीसरा सुख शांति। ओ कहते आप तो कैसी बात कर रहे हैं, ये नया अर्थ बताया आप, हमें तो पता ही नहीं इस बात का। तो बाबा कहते पहला मंत्र ओम शांति, कहीं समस्या हो, कहीं उलझन हो, कोई बात हो, वाह दिल से निकले ओम शांति, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। दूसरा मंत्र सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति है मंत्र प्यारा, ओम शांति, शांति सो धर्म हमारा, ओम शांति, शांति धाम के हम हैं वासी, ओम शांति, हर आत्मा शांति को चाहती, ओम शांति, शांति का संदेश सुनाना, ओम शांति, हर मन में शांति लहराना, ओम शांति। अच्छा दूसरा मंत्र क्या बताया, सुख दो सुख लो, अच्छा ना दुख दो और ना दुख लो। अच्छा तीसरा मंत्र हम सो हम, रोज बाबा मंत्र देता बच्चे इस मंत्र को याद करो। चौथा मंत्र अब घर जाना है, अब घर जाना है, कुछ याद ना आवे खाली ये पक्का हो जाए अब घर जाना है तो उपराम रहेंगे। कहाँ रहेगी बुद्धि, ऊपर वाले राम में लगी रहेंगी। पांचवा मंत्र मन मना भव, अच्छा मध्याजी भव, बाबा कहता मुझे मन दे दो कुछ मत दो, जहां आपका मन जाएगा तन और धन सारा वहीं जाएगा, आप पक्का कर लेना ये। अगर किसी का मन यहां नहीं है कहीं और जगह है तो सब कुछ और जगह जाएगा। तो बाबा हमको कहते बच्चे मन मना भव, पहले पहले मुझे आप मन दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका। अच्छा ये तो ये बात सुनाई, बाबा के टाइम की बात है, हम टेलर मास्टर हैं, हमने ब्रह्मा बाबा के कुर्ता सिया, काम करते थे बहनों का, दीदी जी होते थे मनमोहिनी जी जो 84 में गए शरीर छोड़ दिया, हमको कहती इधर आओ आप बाबा का कुर्ता बना लेंगे ब्रह्मा बाबा का। हाँ मैं कहूँ इतना बड़ा बाबा और मैं काम लेडीज करता हूँ मुझे आता ही नहीं है, हाँ बात करने में होशियार थे, कुर्ता बना लेंगे, हाँ जी बना लेंगे। अच्छा कितना कपड़ा चाहिए, अब हमको क्या पता कितना कपड़ा चाहिए, हम तो बहनों का मास्टर है ना। अच्छा हमने कहा आप थान दे दो हम काट लेंगे, नई बात है ये टेलर है क्या, थान दे दो कितना पता नहीं काट लेंगे। अच्छा अच्छा बाबा का मेजरमेंट ले लो, अब हमको तो लेना आता ही नहीं है, बहनों का ले सकते हैं ना। हमने कहा बाबा का कुर्ता दे दो, बात बड़ी ठीक है। अच्छा कुर्ता कपड़ा मिल गया, कुर्ता मिल गया हमने ठीक निशान लगा करके। अच्छा पहला एक कुर्ता कपड़ा काट के रख दिया, कुर्ता ठीक ढंग से, दूसरा काटा हमने शुरू किया, गला बाजू हमने नहीं लगाए, हमने कहा दीदी जी बात ये है कि बाबा को जरा हमने पहना के देखना है। कहते लो ये नया टेलर आया, कुर्ता है ये, कोई कोट है, कोई अचकन है, कोई शेरवानी है, कोई चश्त क्या है ये, ट्राई लेता है। हमने कहा देखो बात ये है, अगर एक ठीक तो सारे ठीक, एक खराब तो सारे खराब, बात तो ये भी सही लगती है ना भाई, एक ठीक तो सारे ठीक। खैर हमने आधा कुर्ता बनाया, गला और बाजू नहीं लगाए, बाकी ढांचा तैयार किया, चल जाओ बाबा कमरे में। बाबा कमरे में जा कैसे, बाबा गद्दी पर बैठे हैं, हम नीचे बैठ गए, बाबा खोए हुए हैं बड़े मस्त बैठे बाबा की याद में। दृष्टि पड़ते पड़ते आके पड़ी, अच्छा सिलाई वाला बच्चा आया है, मैं कहा बाबा कुर्ता पहनाना था। हाँ बच्चे पहनाओ ना, बाबा खड़े हो गए, पहले हमने बाकी पहनी, तब रिवाज ये था समझ के बाद बाकी, हाँ बाकी पहनी,
फिर बाबा ने हमारे मुख में टोली खिलाई, हम दृष्टि लेते रहे। अच्छा बाबा पहने, बाबा ने पहना और कहा कितना अच्छा बनाया। फिर आप समझते हैं हम तो फूल गए होंगे, अच्छा जो कह दिया ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा फिर हम चले गए, हमने गला बाजू लगाया, दीदी को कहा फिर पहना के देखना है, कहा देखो क्या कच्चा टेलर है, कुर्ता कहे के भी क्या समस्या मोड़ लिए थे, देखो एक ठीक आएगा सारे ठीक आएंगे, एक ठीक नहीं होगा तो कोई एक भी ठीक नहीं आएगा। जाओ भाई जाओ, तो बात ही ऐसी, तुम्हारा ढंग क्या करें। आगे मैं गया तो बाबा जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे थे, फिर दूसरे दिन भी फिर दृष्टि पड़ते, अच्छा बच्चा आया, बाबा कुर्ता एक बार फिर पहनाना है। बाबा तो खड़े हो गए, गले में बाबा ने कुर्ता डाला और हमने बाबा को बाकी पहनी, हा हा दृष्टि लेते लेते बाबा ने नजर से निहाल किया, ओ मुख में टोली खिला दी। दीदी आ गई, बाबा ये कैसा टेलर है, कच्चा टेलर है, बार बार ट्राई करता है। बाबा ने कहा मैं सच्ची बात बताऊं, ये कुर्ता पहनाने नहीं आता, ये आता है बाबा से मिलने और आप लोग आने नहीं देते, आप कहते हैं बाबा बिजी है, बाबा आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात गुड़ जाने, गुड़ की जाने गोथली, वहां ये बात चली उस समय, हम कितने खुश हुए होंगे। फिर हमने एक दर्जन कुर्ते बनाए बाबा के, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक दिन मम्मा जी यहां से जा रहे हैं और मैं उधर से आ रहा हूं जहां झोपड़ी है से बाहर, यहां मेल हुआ, मैं कहा मम्मा ओम शांति, एक बात सुना के जाओ, ऐसे कहते हैं क्या बच्चे, मम्मा एक बात सुना के जाओ। मम्मा देखती है कैसा बच्चा है ये, कैसे बात करता है। अच्छा मम्मा ने पता है क्या कहा फिर, अच्छा मुरझाना नहीं, फिर कहा कब घबराना नहीं, फिर कहा अच्छा कोई बहाना नहीं, फिर कहा बार बार कहलवाना नहीं। उस समय बुद्धि तेज थी, फटाफट मैंने कैच कर दिया, नोट कर दिया अंदर में, ठीक है क्या बात बताई, घबराना नहीं, फिर कहा मुरझाना नहीं, फिर कहा कोई बहाना नहीं, फिर कहा बार बार कहलवाना नहीं। कैसे कहलवाते हैं, आप क्लास में क्यों नहीं आते हो और ब्राह्मणों में पता है क्या करते हैं, दुनिया वाले खेलते हैं ताश की बाजी, जब ब्राह्मण बच्चे बन जाते हैं ये खेलते हैं बहानेबाजी, ठीक है। हाँ जरा सी कोई बात हुई छुई में का पौधा, ओहो कुछ जरा कह दिया मुरझा गए, ओहो घबरा गए। तो घबराना नहीं, मुरझाना नहीं, कोई बहाना नहीं, अच्छा बार बार कहलवाना नहीं। बड़ी बात अच्छी लगी, नोट कर ली। मैं कहा मामा एक बात और है, आप ना मुझे बाबा मामा के छोटे फोटो दे दो। क्या करेगा फोटो, तू भगत है क्या, बाबा मामा आपके सामने बैठे हैं ना, तेरे फोटो क्यों मांगता है, हमको चाहिए, समझ रहे हो बच्चे कैसे कहते हैं, हमको चाहिए। फिर मामा शांत हो गई चुप करके, अच्छा मामा भी चले गए हम भी चले गए, ठीक है चलो। 17 दिन हम यहाँ मधुबन में रहे, तब ये मकान कोई हाल कुछ भी नहीं था, सामने वाला जो सामने है बिल्कुल ये हाल था। अच्छा एक दिन मैंने देखा उधर छोटी गली है हाल के अंदर, बाबा उधर से आते थे, बाबा का जो कमरा था ये छोटा था अब बड़ा हो गया है, बाबा उधर से निकल के आए। मैंने कहा बाबा इतने बूढ़े बाबा है, टीप टाप होके तो आए अंदर से, रास्ते में शीशा था फिर देख रहे हैं बाबा फिर ऐसे कर रहे हैं, तो रहा नहीं गया, उस समय तो मैं चुप हो गया देख लिया। रात को 10 बजे मैं बाबा के रूम में पहुंच गया, बाबा एक बात थी, हाँ बच्चे क्या बात थी, बाबा आप जब क्लास में आए थे ना, आप तैयार तो होके आए थे ना, तो रस्ते में दोबारा क्यों देखा, ओ बच्चे ओ बाप फरिश्ता है, सबको साक्षात्कार होगा बाप का, जरा बाल उलझे होंगे, चेहरा मुरझाया होगा, ढीलापन होगा, भगत जो होगा ना परेशान हो जाएगा, कहेगा मेरे इष्ट को क्या हो गया, तुम बच्चों को भी फरिश्ता बनना है,
बाप समान बनना है ना, तो ये पक्का कर लो, हमको भी बाप समान बनना है। आपके भगत बहुत है, आपको ख्याल नहीं आता, रात को आपको नींद आ जाती है और रड़ियां मारते हैं, शेरों वाली की जय, लाटा वाली की जय, जोता वाली की जय, और आप कुराटे ले रही हो, ये कहां की बात है? आपको जागृति नहीं आती? ये मेरे भक्तों खुश रहो, जागो, वाह वाह, आशीर्वाद देते रहो ना उनको, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने सिखाया बच्चे सदा जागती ज्योत बनो। अच्छा, दूसरी बात फिर याद आ गई, यहां जहां मेडिटेशन हॉल है, यहां आगे पत्थर पड़े थे, कोई हाल वाल नहीं था। बाबा मामा यहां बैठते थे, दो कुर्सियां बिछा करके, रात को चैम्बर होता था, थोड़े से बच्चे होते थे, क्लास होती थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्लास होती थी, क्लास हुई 9 से 10, 10 बजे मैं खड़ा हो गया। बाबा ने कहा, हाँ बोलो बच्चे, क्या बात है? बाबा एक गीत सुनाना था। बाबा ने कहा, गीत सुनाना था? बच्चे मामा से पास कराया? हाँ मामा, जो दिल्ली में सुनाया था ना वही। मामा थोड़ी बोलेंगे बाबा के आगे, मामा तो शांत हो गए। हमने गीत सुनाया, गीत सुनाने के बाद नेचुरल बात है, हम बाबा की गोदी में जाएंगे, हम मामा की गोदी में जाएंगे, आज तो होगी ना प्रसाद की भी। तो आम का सीजन था, आम के टोकरे, हाँ उस समय 100 भाई बहन मधुबन में था, और मुरली में निकल गया, ये मधुबन में बहुत भीड़ है, 100 भाई बहन मधुबन में बहुत भीड़ है। रात के आके 12 बजे दीदी कहती है, गुड़गांव वाला हरि भाई उठा था रात को 12 बजे आके, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, कल पहले वाला सीन था ये, ठीक है। बात ऐसे हो गई, हम 17 दिन यहां रहे, जिस दिन जाने का दिन आया, बाबा मामा सामने बैठे हैं हाल में, हम थोड़े से बच्चे जाने वाले थे 15-20। अच्छा, तो उस समय गीत बज रहा था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। हम तो रोते ही जाते थे, सच्ची बात है, कभी खुश होकर नहीं जाते थे, और बाबा मामा हमको छोड़ने जाते थे। जो पांडव भवन का गेट है बड़ा, उसके पीछे बड़ का पेड़ है एक, यहां सड़क पड़ती है, ये संगम हो जाता ना। तो बाबा मामा हम बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, मामा कहती, अच्छा बच्चे हाथ मिला के जाओ। मैंने ऐसे हाथ किया, मामा ने एक लिफाफा रखा, ऐसे हाथ रखा, हाँ क्या सुनाया था वो, मैंने पक्की बात कर रखी थी, क्या, कब मुरझाना नहीं, कोई बहाना नहीं, बार बार कहलवाना नहीं, अच्छा कब घबराना नहीं। अंदर मैं घबराया पड़ा हूं, मम्मा ने फोटो तो दी अभी नहीं है, इतनी बड़ी मम्मा इतने दो फोटो नहीं दे सकती क्या, कहा नहीं मैंने ना, मैं सोचा वो लिफाफा है ना उसमें पत्र होगा दीदी का। खैर वहां तक गए टाटा की, चलो हम चले, मैं कहा देखो सही, वो देखता हूँ खोल के तो बाबा मामा का फोटो है वो, एक बच्चा मैं थोड़ी था कितने बच्चे, तो बाबा मामा को सब बात याद रहती है ना। तो वो खुशी के दिन कितने प्यारे थे, ये दिन कितने प्यारे हैं, जब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अभी साथ हमारे हैं, हम टेलर मास्टर थे, यह एक धर्मपाल भाई हैं हमारे, बड़े पुराने हमारे टाइम के ही हैं, हमसे भी 4 साल पहले के हैं। बाबा ने कहा, बच्चे आप टेलर हो, आप इनको गुड़गांव ले जाओ अपने साथ, काम सिखाओ। 3 महीने ये भाई हमारे पास वहां रहा, तो भले कुर्ता पजामा सीखा, मैं नहीं जानता था, हमारा भाई था सिखाया। अच्छा, बहनों का भी छोटे कपड़े सीता था ये। 3 महीने हमारे पास रहा, तो बाबा एक बार आए दिल्ली में मेजर की कोठी पर, मेजर ने बुलाया था, बाबा आप ना दिल्ली आओ, बहुत सेवा होगी। बाबा बच्चों की जन्म पत्री को जानते हैं, ना जाने 2 महीने 1.5 महीने में मेजर ने शरीर छोड़ना था, बाबा तो जानता है। तो हम गुड़गांव से, मैं समझता हूं 23-24 किलोमीटर है दिल्ली, सवेरे उठ करके 2 बजे 2:30 बजे नहा धो के गर्म सूट पहन कर नई साइकिल तैयार कर रखी, चल देना साइकिल पर,
बाबा के पास जा रहे, ये नहीं पता कोई साइकिल खोस लेगा, कोई तुझे मारेगा, कोई पकड़ लेगा, नहीं फिक्र बादशाह। कभी कभी धर्मपाल भाई भी, हम भी दोनों इकट्ठे खड़े जाते थे। एक दिन जाकर मैं 4 बजे पहुंचा, सर्दियों के दिन थे, दीदी जी शाल ओढ़ करके ऐसे वहां घूम रहे थे। मैंने ऐसे किया कौन, मैंने कहा अरे भाई अच्छा रात को यहां रहे थे, मैं कहा नहीं दीदी अभी गुड़गांव से आया। हाँ वो सामने गुड़गांव खड़ा है, वो खड़ा मैं, हाँ 23 किलोमीटर कहने में कोई देर लगती है क्या, वो सामने खड़ा है, देख लो। अच्छा जाओ बाबा के पास जाओ, पहले पहले आया हो जाओ। फिर बाबा आराम कुर्सी पर बैठे थे भाई, हम जाकर बैठ गए। अच्छा अच्छा ओ सिलाई वाला बच्चा आया, चुप। अच्छा फिर हमने, हमारे तो वही जैसे रसम थी, आदत होती ना बच्चों को चिपट जाना माँ बाप को। अच्छा बाबा के पास फुल प्लेट रखी थी, उसमें काजू पिस्ते नेजे हो मेवा था। बाबा ने उठा कर मेरी सारी जेब यहां तक भर दी, बच्चा यहां से गुड़गांव तक खाता जाए खत्म नहीं हो गई है। मैंने उठा के कुछ इधर कुछ इधर, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, ठीक है खुशी है ना। बस उस समय जाकर के, जाकर फिर क्लास करनी करनी, मुरली सुननी, नाश्ता करना, खाना खाना, वहीं सो जाना, शाम को 4 बजे अपने घर वापस लौट आना, सवेरे फिर वही चक्कर। तो ये चक्कर उस समय ऐसा होता था। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ऐसा कर्म करो जो दूसरे को प्रेरणा मिले, खुशी मिले। खुशी जैसी तो खुराक नहीं है, चिंता जैसा तो रोग नहीं है। अभी चिंता छोड़ करके अभी प्रभु का चिंतन करना है, ठीक है। तो ऐसे हमको बाबा को याद करना। अच्छा 5 मंत्र कौन से थे, फिर मैं भूल ना जाऊं कहीं, जल्दी करो आप बताओ। पहले पहला पहला मन मना भाव, दूसरा ओम शांति, तीसरा आप घर जाना है, चौथा अरे सुख दो शुक्र, पांचवा। अच्छा ये खाली मंत्र से कहने नहीं है, ये ऐसे खाली कहना नहीं है, ये मंत्र आपको बहुत काम आएंगे। कहीं समस्या हो, कहीं कोई उलझन हो, कोई सा मंत्र इनमें से आप याद कर रहे हो, वाह खुशी से आप नाचेंगे, ठीक है ना। यहाँ जहाँ कुटिया है इसके बाहर 3 टेंट लगे हुए थे, हम गुड़गांव वाले बच्चे यहीं रहते 3 टेंटों में। बाबा क्लास करा के मम्मा बाबा वहां से निकले। बाबा जब जाते थे ना क्लास से, बच्चों को पीछे नहीं देते थे, ये तो नई बात है। तो मैं तो ऐसे हल्का फुल्का था, पहुंच जाता बाबा के पास शरारत को, बाबा वो एक बात समझ में नहीं आई, वो आप ना वो ऐसे पीछे पीछे ऐसे जा रहे थे क्लास में से, क्यों बच्चे हो तुम भगवान के बच्चे, तुम मेरे बच्चे देवता बनने वाले हो, मैं अपने बच्चों को पीठ दूंगा सारी दुनिया आपको पीठ देंगी, ध्यान करना। मंदिर में देवताओं को कोई पीठ नहीं देते, वो ऐसे ऐसे चलते हैं, क्योंकि समझ नहीं तो और बातें हैं, बाकी ऐसे होता है। अच्छा फिर जा रहे थे बाबा, इधर से आ रहे थे, हम 2 भाई खड़े थे। बाबा कहते अच्छा सलाम अलैकुम, उस भाई ने तो उत्तर दे दिया अलैकुम सलाम, हाँ मैं तो चुप कर चुप, हाँ बाबा ओम शांति बाबा। अच्छा देखा बच्चे मालिक ने आपको सलाम किया और आपने पहले विचार नहीं किया। दुनिया में भी कोई आपको राम राम करे, कोई नमस्ते करे, कोई जैसे भी करे, आपने उत्तर दे देना है, नहीं तो समझेंगे इनको कितना दिया अभिमान है, ठीक है। और किसी को झुकाना हो तो पहले आप झुको, मैं आपको बता दूं कितनी बड़ी हस्ती हो ना, आगे आप ऐसे कर ले कम से कम वो यूं तो कर देगा सुन, आप अकड़ के खड़े हो जाओ कोई चीज उठाओ आप नहीं उठा सकते। बाबा कितना निरहंकारी है, अपना घर छोड़ करके आया है, और हम बच्चों को कहां से निकाला, गंध में से, कहां तक फंसे पड़े थे, यहां तक फंसे पड़े थे। अब कोई जगह नहीं मिली बाबा को पकड़ने की, चोटी से पकड़ के बाहर निकाला हमको, ठीक है। तो ब्राह्मण है चोटी वाले, आप माता बहनों की तो बात ही क्या है, कहो आपकी चोटी तो प्रैक्टिकल में है भाई की रही नहीं हाँ लेकिन चोटी का मतलब ये चोटी नहीं, हाँ पर ऊंच कोटी के, सादा जीवन
ऊंच विचार। अच्छा बोलो ओम शांति। ठीक है अभी हम आपको गीत सुना देते हैं एक लास्ट। ठीक है लास्ट में जी। अच्छा पांच फिर से बताएं। पहला मंत्र ओम शांति, ये ऐसा मंत्र है इतना बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। किसी को क्या पता, वो कहते हैं आप राम राम नहीं करते, जहां मैं रहता हूं सोने में वो लोग इसी बात से चिड़े हुए हैं, ये नई बात पता नहीं कहां से ले आए हैं, कभी राम राम नहीं करता, कभी नमस्ते। अरे भाई आप मेरे से करो, जो आप करें मैं वही उतर दूंगा, पर मैं नहीं करता पहले। तो पहला मंत्र ओम शांति, दूसरा मंत्र सुख दो सुख लो, ठीक है ना, ऐसे दुख देना ना दुख पाना ना, तुम बाबा की याद भुलाना ना, कौन हो फिर वही बात, तुम तो हंस हो हंस बनाते हो, गुण ग्राहकता सिखलाते हो, बगुले का भेष बनाना ना, तुम बाबा की याद भुलाना ना, तुमने तो स्वर्ग सजाना है, बाबा का हाथ बटाना है, खुश रहना कब मुरझाना ना, पर बाबा की याद भुलाना ना, आगे माया को मीत बनाना, ठीक है ना। जैसे इसलिए अच्छा पहला मंत्र ओम शांति, दूसरा मंत्र सुख दो सुख लो, तीसरा मंत्र अब घर जाना है अब घर जाना है अब घर जाना है, चौथा मंत्र हम सो सो हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। कभी शूद्र सो देवता नहीं होते ना, पहले ब्राह्मण बनेंगे। तो पक्का करो हम ईश्वरीय संतान, हम हैं ब्राह्मण कुल के भूषण। अच्छा पांचवा मंत्र, अच्छा मन मना भाव, बस मुझे मन दे दो, मन मना भाव मध्याजी भाव, जब मुझे मन दे देंगे तो बाबा उसके बदले में आपको सब कुछ दे देंगे, ठीक है बात ये। अच्छा चलो, जिंदगी की चांदनी में अंधकार न आने दो, कर्म के सिर पाप का अधिकार न आने दो, श्वासों का सिलसिला एक कमजोर धागा है, तुम एक भी श्वास न कब बेकार जाने दो। कमजोर धागा है ना श्वासों का सिलसिला, पर एक भी श्वास चला गया तो समझो कमाई हमारी छट हो गई। तो बाबा हमको बार बार कहते बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे गुरुद्वारे में जाओ, बच्चे शमशान में जाओ, बच्चे तीर्थों पर जाओ। अच्छा हमारी कुछ आदत भी है तो ऐसे हम जाते भी हैं। गुरुद्वारा से निमंत्रण मिला, बहन जी और हम दोनों इकट्ठे जाते, बहन जी कहते पहले आप जमीन बनाओ, आप गीत बोलना, बाद में भाषण करोगे। आप गुरुद्वारे में क्या बोल रहे हैं, पहले तो सिर पे रुमाल रखो, उनकी मर्यादा है ना वो। अब वो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी बोलने पड़ेंगी, तो वहां क्या सुनाया, सोना छड़ के ते मट्टी दा व्यापार न करी, मन याद रखी, बाबा छड़ के ते माया नाल प्यार न करी, मन याद रखी। ओ तुसी पंजाबी फिराओ के, मैं हाँ सी पंजाबी हाँ, वो तो साढ़े फिराओ वाहे गुरु, वो तो ऐसे करेगा ना, तेनू जाना है बाबा दे देश वे, तू तो बदल ले अपना भेष वे, ऐसे थोड़ी जाएंगे घर में चमड़ी चमड़ी यहां सही। झूठी दुनिया है किसे ते इतबार न करी, मन याद रखी, बाबा छड़ के ते माया नाल प्यार न करी, मन याद रखी। अच्छा बन प्रभु दी शरण दाराशी, शिव भोला नाथ तेरे पास आसी, झूठी दुनिया है किसे ते इतबार न करी, मन याद रखी, बाबा छड़ के ते माया नाल
प्यार न करी मन याद रखी, ठीक है। अब ये क्या होता है, वो सन्नाटा छा गया, फिर बहन जी भाषण करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो अभी एक मिनट याद करके हम आपको गीत सुनाते, फिर टाइम हो गया इधर मेरा। अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बार की बात है, मधुबन में थे, बाबा आए इधर, बाबा इधर, मम्मा ऐसे तीन को होते गद्दियां, बीच में बच्चों गद्दी। बाबा कहने लगे मम्मा को, मम्मा कलमे पढ़ो। आप कहें कलमे क्या होती है, बाबा याद प्यार देता है ना। तो मम्मा ने कैसे कलमे पढ़ी, अच्छा मीठा मीठा बेहद का बाप, बेहद का दादा, बेहद की मीठी मीठी माँ का, मीठे मीठे बच्चों को, अच्छा याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा कहता है वाह मम्मा वाह मियाँ मिठू, अपनी महिमा आपे करिए। बाबा एक बात पकड़ते थे, हम छोटे छोटे सुनते खुश होते थे। अच्छा दोबारा करो। अब मम्मा ने फिर कहा मीठा मीठा बेहद का बाप, मीठा मीठा बेहद का दादा, अच्छा माँ का सीख लेते बच्चों को याद प्यार। बाबा कहते अच्छा नानक नीच, अपनी महिमा करी नहीं बिल्कुल, बाबा करके दिखाते। अच्छा मीठा मीठा बेहद का बाप, बेहद का दादा, बेहद की सिक्की लधी माँ का, सिक्की लधे बच्चों को याद प्यार। अच्छा गुड मॉर्निंग, ये कलमे मुसलमान कलमे कहते हैं, हम याद प्यार कहते हैं, भाषा में फर्क है। सारी बात दुनिया ने कहां से उठाई है मुझे बताओ, पांच छह बार नमाज पढ़ते हैं, आप भी तो पांच छह बार नमाज पढ़ते हो ना, ट्रैफिक कंट्रोल क्या करते हो आप बताओ मुझे, आप तो हर घंटे में तीन मिनट हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल के पांच छह टाइम बने हुए थे, ठीक है ना। अच्छा तो बाबा ने कहा बच्ची, बच्चों ने कोई बात कही, कोई सर्विस कोई सेल्वेशन, तो बच्चे तो होते ही नट खाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ बाबा एक बच्चे ने कहा है नाश्ता बने हलवा पूरी का, आलू की सब्जी बने, बाबा मामा हमारे साथ होंगे, पहाड़ी पे जाकर नाश्ता करेंगे। लो बच्चे आइए, बच्चों की बात भी तो कोई होगा ना। बाबा ने कहा अच्छा बोली भंडारी सुन रही होगी, बोल डाली थी ना पहले तो मालिक, चलो आठ बजे नाश्ता तैयार हो गया जी। अच्छा स्टील की बाल्टी प्लास्टिक की बाल्टी, उसमें वो डाल के नाश्ता, सब इस गेट पर आ गए बाहर, बाबा मम्मा बाहर आ गए। बाबा कहते हैं जो मम्मा के मुरीद हैं वो मम्मा के साथ जाएंगे, जो बाबा के मुरीद हैं बाबा के साथ जाएंगे। मुझे बता दो कौन जाएगा, समझा दो आप जरा मुझे, कोई ना हिले, सब इधर उधर हो गए, देखे कौन हिलता किधर जाओ। बाबा ने कहा बच्चे तो हिलते ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा शक्तियां जाएंगी मम्मा के साथ, पांडव जाएंगे बाबा के साथ, बात खुल गई। हम इधर चल दिए बाबा के साथ, मम्मा के साथ बहने इधर चल दी, जाके चक्कर लगा के पहाड़ी पे जाकर मिले। तब दीदी दादी बाबा मम्मा सभी थे, प्रैक्टिकल की बातें, पहाड़ी पे जा करके। अच्छा ग्रामोफोन ले गए, थाली वाला बाजा वो चाबी वाला, अब तो टेप रिकॉर्ड का तो नाम नहीं था अभी, ठीक है। वहां जाकर गीत बजाया, अच्छा प्रसाद डोना भर के दादी ने बाबा के हाथ में दिया, दीदी ने मम्मा के हाथ में दिया, कुछ बच्चे उधर से लेते जाए, कुछ उधर से लेते जाए, खाया पिया हमने मौज किया, ठीक है। थोड़ी देर वहां बैठे थे तो कुहीर हो गई, धुंध जिसे कहते हैं, ऐसी फागी पड़ गई, ऐसी धुंध पड़ गई जो बंदे को बंदा दिखाई नहीं पड़े। ओह अच्छा, बाबा ने कहा शक्तियां आपस में हाथ पकड़ लो, जहां खड़ी हो जहां वहीं खड़ी रहो, और बच्चे पांडव आपस में हाथ पकड़ लो जहां खड़े हो वहीं। दस मिनट धुंध रही, बाबा मामा खड़े हैं बीच में, दस मिनट बाद रोशनी हुई, धुंध हट गई, फिर हम खेलते कूदते आ गए। बार बार हम कहते बाबा आप जरा धीरे चलो थोड़ा सा, बाबा आप बच्चे तो मेरे जवान बच्चे हो, बाप तो बूढ़ा है, बाबा आप शिव बाबा है ना, बाबा आप डबल इंजन है, सुनना कैसे बाबा हंसाते थे। पहाड़ी पर जाते थे ना, बाबा की पहाड़ी है, तब भी ऐसी बात होती है,
बाबा फटाफट जैसे बच्चा चढ़ जाता है ऐसे चढ़ जाते थे और हम बच्चे देखते रह जाते थे, आओ बच्चे जल्दी आओ बच्चे जल्दी आओ बच्चे, तो बाबा कैसे लाड से प्यार से हमको चलाते चलाते आज कहाँ तक पहुंचा दिया। बस बच्चे टाइम थोड़ा है, शिव बाबा को याद करो आप घर चलना है, थोड़ा करते 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 कहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे। एक ने हमको कहा भगवान को याद करो दिल से मन से याद करो, कहता सच्ची बात बताऊं दिल लगती नहीं है। मैंने कहा मैं सच कह दूं दिल कहीं लगी हुई है आपकी। ये क्या कहा आपने, उधर नहीं लगती तो और कहीं लगी पड़ी है ना, सीधी बात है, तरीका बात का ये, तो उधर नहीं लगती ना कहीं तो लगी हुई है। तो इसलिए फिर कहते जी मन नहीं टिकता, क्या करें मन को टिकाते बद पर मन टिकता नहीं है। अच्छा हमने पूछा मन कितना बड़ा होता है, एक ने मुझे उत्तर दिया 40 शेर का, आप ध्यान कर दूसरा चल जाना, अरे बदल जाते हो। अच्छा शेर कितना बड़ा होता है, तो कहा 16 छटांग का, छटांग कितनी बड़ी होती है, तो कहा 5 तोले की, तोला कितना बड़ा होता है 12 मासे का, मासा कितना बड़ा होता है 8 रत्ती का, रत्ती कितनी बड़ी होती है 8 चावल के दाने। ओ मन पक्की शक्ति, मन पक्की गेहूं की बोरी ऊपर रखी और मुंह खोल जाए उसका नीचे बिखर जाए, कितने आप झाड़ू लगाओ कोई ना कोई वो रह जाएगा। सीधी बात कहो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहां गिरा कोई कहां गिरा, फिल्मी बातें करते हो क्या। तो मन कैसे टिके, फिर हम कह देते हैं इधर उधर से दिल हटा दिल, दिल वर साथ लगाया कर। दिल किसको देंगे बता, बहन जी जल्दी करो आगे बैठियो आप, बाबा को बाबा का नाम बताओ, इसको दिल देनी है आपने जल्दी करो ना, बोलो दिल आराम को दिल देंगे, किसको देंगे दिल आराम, क्यों कहती हो भगवान को, वाह वो मेरे दिल को आराम देता है। ठीक है, अब जो आराम देने वाला है जो सुख देने वाला है आप उसको याद करो, हम उसकी याद आगे सुना देते हैं फिर उधर देख लो फिर टाइम हो। अच्छा बाबा का नाम क्या जी जल्दी करो, शिव बाबा, किसका बाबा, मेरा बाबा, और कैसा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, ओ कैसा प्यारा नाम है तुम्हारा बाबा शिव बाबा, कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा शिव बाबा, तेरे गुण हम गाए यादों में खो जाए, तुझसे लगन लगाए शक्ति तुझसे पाए, ओ शिव बाबा कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा शिव बाबा, कैसा प्यारा नाम है तुम्हारा बाबा ओ मीठे बाबा ओ प्यारे बाबा, कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा। लगता ना मेरा मन दुनिया की बातों में, लगता ना मेरा मन दुनिया की बातों में, याद तेरी आए दिन क्या रातों में, चढ़ता है नशा मुझे तेरी ही बातों में, दे दिया है हाथ मैंने अब तेरे हाथों में, दोनों जहानों का मालिक बनाया शिव बाबा, ओ कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा शिव बाबा, कैसा प्यारा नाम है तुम्हारा बाबा शिव बाबा, दुनिया के मेले में हम तो अकेले थे, दुनिया कहती है हम दो हमारे दो, हम कहते ना हम एक हमारा एक, सुन दुनिया के मेले में हम तो अकेले थे, भक्ति में गुड़ियों का खेल हम खेले थे, ठोकरें भी खाई थी दुख भी झेले थे, तूने बचाया आके जग के झमेले से, कितना ना तेरा शुक्रिया गाएं
ओ मेरे शिव बाबा, कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा, शिव बाबा कैसा प्यारा नाम है तुम्हारा बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा, ज्ञान की तूने ऐसी मुरली सुनाई है, भटक रहे थे तूने राह दिखाई है, डूब रहे थे तूने पकड़ी कलाई है, सोई होई मेरी तकदीर जगाई है। भाग्य विधाता ने भाग्य जगाया, शिव बाबा कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा, शिव बाबा प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा शिव बाबा। हम ही वो बच्चे हैं बाबा को जो प्यारे हैं, हम ही वो बच्चे हैं बाबा को जो प्यारे हैं, विजयी रतन हैं माया से न हारे हैं, छोड़ा सारा जग अब तेरे ही सहारे हैं, इस धरती के हम चेतन सितारे हैं। भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया, शिव बाबा कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा, शिव बाबा कैसा प्यारा नाम है तुम्हारा बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, कैसा सुंदर नाम है तुम्हारा बाबा। ओम शांति।